राहुल गांधी जम्मू कश्मीर का दौरा कर चुके हैं। फिलहाल 4 सितंबर को हाल में वो पहुंचे थे। राहुल गांधी ने जिन 2 सीटों पर जनसभाओं को संबोधित किया उसका सियासी गणित भी आपको बताएंगे। दरअसल राहुल गांधी ने पहली जनसभा अपनी की थी 4 सितंबर को रामबन, और रामबन की बनिहाल सीट का गणित क्या है ये बड़ा अहम हो जाता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक साथ मिलकर अलायंस में चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन बनिहाल विधानसभा उन 5 सीटों में से एक है जिन पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं, यानी यहां दोनों पार्टी के उम्मीदवार उतरेंगे। पूरे राज्य में अलायंस है लेकिन 5 सीटें ऐसी हैं जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस भी उम्मीदवार उतारेगी और कांग्रेस का भी कैंडिडेट होगा, और उन 5 सीटों में से एक सीट है बनिहाल। रामबन में रैली की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो राहुल गांधी ने जिन सीटों पर जनसभा की उनका समीकरण समझिए, लेकिन सबसे अहम इसमें है बनिहाल की सीट। यहां कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया गया है। कौन है कैंडिडेट बनिहाल में? कांग्रेस ने दिया है टिकट विकार रसूल वानी को, बीजेपी ने मुस्लिम प्रत्याशी दिया है विरली, ऐसी तस्वीरें दिखती है। लेकिन बनिहाल में बीजेपी के उम्मीदवार हैं मोहम्मद सलीम भट्ट, और साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि कांग्रेस की अलायंस वाली पार्टी, दूसरी पार्टी जो है अब्दुल्ला की पार्टी, सज्जाद शाहीन जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी हैं, और पीडीपी महबूबा मुफ्ती की पार्टी से इम्तियाज अहमद शान प्रत्याशी हैं। तो ये सीट अपने आप में अहम हो जाती है। एक तो दोनों ही अलायंस पार्टनर्स के कैंडिडेट हैं और बीजेपी ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है, इस वजह से सीट काफी अहम मानी जा रही है। और इस सीट का सियासी आंकड़ा भी बड़ा खास है। ये आंकड़ा कहता है कि बनिहाल सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा है, हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और निर्दलीय भी सीट से जीते हैं, इसी वजह से खास है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्तमान में रामबन के जिला अध्यक्ष सज्जाद शाहीन ने 2008 और 2014 में चुनाव लड़ा। रुकिए, यहां रुकेंगे, क्योंकि 2008 और 2014 का जो आंकड़ा है वो खास इस वजह से है क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो असेंबली थी वहां 6 साल पर चुनाव होते थे। पूरे देश में हर राज्य में सरकारों में चुनाव जो है सरकारों का वो 5 साल में होता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में हुआ करता था 6 साल के लिए। इसीलिए आप देख रहे हैं 2008 का आंकड़ा, फिर 2014 का आंकड़ा। अब आगे बढ़ेंगे, अब 5 साल के लिए जो चुनाव होंगे वहां 5 साल के लिए सरकार होगी। बहरहाल बनिहाल में 2 बार कांग्रेस के विकार रसूल वानी से हार गए, हालांकि दोनों ही मौकों पर दरअसल विकार रसूल वानी ने हराया था। 2008 से पहले निर्दलीय और नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी कब्जा रहा। कांग्रेस को 1972 के बाद 2008 में सीट पर जीत मिली थी, ये भी एक बड़ा फैक्टर इस सीट को लेकर है। लेकिन इस बार इस सीट पर कांटे का मुकाबला है, 4 मुस्लिम प्रत्याशी। बीजेपी ने भी इस सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है। रामबन के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अनंतनाग के डूरू विधानसभा क्षेत्र गए थे, वहां उन्होंने संबोधित किया था, समीकरणों को साधने का प्रयास किया था, कई बड़े वादे भी किए थे। उनके स्टेटमेंट को लेकर बीजेपी हमलावर भी थी। करीब 10 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव कई मायनों में जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय सियासत के लिए भी खास है, क्योंकि 2014 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब से लेकर अब तक कई चीजें बदल चुकी हैं। एक बड़ा बदलाव आया है सीटों के लिहाज से, परिसीमन डिलिमिटेशन। इसके बाद विधानसभा सीटों की तस्वीर बदल चुकी है। मई 2022 में जम्मू कश्मीर में परिसीमन के बाद अब विधानसभा सीटों की संख्या हो गई है 90। ये ऐसी सीटें हैं जहां इलेक्शन होते हैं, पीओके के लिए सीटें रिजर्व भी हैं। लेकिन अब आपको समझाते हैं कि दरअसल जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन के बाद बदलाव क्या आया है। डिलिमिटेशन कब हुआ? 2022 में। 2019 में 370 को हटाया गया और उसके बाद दरअसल कमीशन का गठन किया गया डिलिमिटेशन के लिए। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 2022 मई में। अब इसमें कई सारे बदलाव हुए। पहले कितनी सीटें थी और अब कितनी सीटें हैं यह समझने की कोशिश हम करने वाले हैं। दरअसल पहले जम्मू कश्मीर में सीटें हुआ करती थी 87, लेकिन डिलिमिटेशन हुआ जिसको हिंदी में कहते हैं परिसीमन। परिसीमन के बाद सीटों की संख्या बढ़कर हो गई 90। एक और खास इसमें बात है, पहले जम्मू कश्मीर 2019 तक लद्दाख वाला हिस्सा भी हुआ करता था। अब लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है, एक हिस्सा उससे कट गया, मैप से अलग यूटी घोषित कर दिया गया, लेकिन सीटों की संख्या जो है वो ओवरऑल बढ़ गई। अब इतनी सीटें हैं, पहले इतनी सीटें थी 2014 में जब इलेक्शन हुए थे तब सीटें थी 87, अब जब इलेक्शन 2024 में हो रहे हैं सीटें हो गई हैं 90। यानी विधानसभा सीटों का आंकड़ा
बढ़ गया। कई और बड़े फैक्टर्स भी यहां पर बदले हैं, उनका जिक्र भी करेंगे। क्या बदलाव और हुआ है? जम्मू में पहले कितनी सीटें थी ये समझिए। 2014 तक जम्मू में सीटें थी 37, हिंदू बहुल जम्मू, और अब सीटें हो गई हैं 43 कह लीजिए। दरअसल ये बड़ा फैक्टर है क्योंकि यहां बीजेपी ने जीती थी 25 सीटें। जम्मू में 2014 का जो आंकड़ा है 37 सीटों में से बीजेपी ने जीती थी 25 सीटें, अब जम्मू में सीटें हो गई हैं 43। पूरे कश्मीर में बीजेपी ने घाटी में एक भी सीट नहीं जीती थी, ज्यादातर सीटें या पूरी सीटें जो बीजेपी की थी वो इसी एरिया में थी, और यहां सीटों की संख्या बढ़ गई है 37 से 43 लिमिटेशन के बाद जो है वो अब आंकड़ा बढ़ गया है। और घाटी में कितनी सीटें थी? घाटी में भी सीटें बढ़ी हैं। घाटी में सीटें हुआ करती थी पहले 46 सीटें, कश्मीर पहले थी सीटें 46 डिलिमिटेशन के पहले तक, या 2014 का जब चुनाव हुआ था आखिरी बार घाटी में थी 46 सीटें जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, और डिलिमिटेशन के बाद यहां भी सीट बढ़ी है लेकिन महज एक सीट का इजाफा हुआ है घाटी के लिहाज से। लद्दाख में क्या है? लद्दाख में 4 सीटें हुआ करती थी लेकिन अब डिलिमिटेशन के बाद लद्दाख की जो 4 सीटें थी वो हो गई हैं 0। क्यों? क्योंकि यूटी घोषित कर दिया गया है लद्दाख को। तो ये डिलिमिटेशन के बाद कई सारे बदलाव जम्मू कश्मीर में आप देख रहे हैं, और इसी लिहाज से माना जा रहा है कि जम्मू रीजन में बीजेपी के लिए चुनौतियां दरअसल है जरूर, लेकिन बीजेपी के लिए ऑप्शंस जो हैं वो भी इसी रीजन में ज्यादा हैं। जम्मू में ही बीजेपी ने पूरी सीटें जीती थी पिछली बार, जो 25 सीटें बीजेपी के खाते में आई थी बीजेपी ने सारी सीटें जम्मू से ही जीती थी। घाटी से एक भी सीट बीजेपी नहीं जीत पाई थी मुस्लिम बहुल इलाका होने की वजह से।